दरअसल बहुत पुराने टाइम में केरला के त्रिवनपुर किंगडम में एलुमोतिल मेडा नाम की जगह थी, जहां पर एक राजा अपनी तीन रानियों के साथ रहते थे। एक बार राजा केरला के आसपास ही घूमते समय उन्होंने बहुत ही सुंदर लड़की देखी। उन्हें देखकर राजा एक ही बार में मंत्रमुग्ध हो गए। राजा को लोगों द्वारा पता चला कि वो एक बहुत अच्छी नृतक है और फिर राजा ने अपनी रानी बनाने के लिए नागवल्ली का हाथ मांगा, लेकिन नागवल्ली ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि नागवल्ली अपने ही इलाके के एक डांसर से प्यार करती थी। कुछ समय बाद राजा द्वारा नागवल्ली को नृत्य करने के लिए बुलवा लिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नागवल्ली बहुत परेशान रहने लगी थी और अपने रियल प्रेमी को एक लेटर लिखकर बुलवा लेती है और फिर दोनों ही राजा के सामने नृत्य किया करते थे। फिर एक रात दोनों ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भाग ही रहे थे तो राजा की नज़र उन पर पड़ गई और राजा ने तुरंत ही नागवल्ली के प्रेमी का सर धड़ से अलग कर दिया और नागवल्ली को भी घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया गया। नागवल्ली चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया और फिर कुछ ही क्षणों में उसने अपना दम तोड़ दिया। कुछ ही समय बाद दुर्गाष्टमी का त्यौहार आ जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन राजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी राजा को लगा कि नागवल्ली के कमरे से घुंघरू की आवाज़ आ रही है। राजा बहुत परेशान रहने लगे थे, यहाँ तक कि उस महल में रहने वाले नौकर लोग भी राजा से बोलने लगे थे कि नागवल्ली के कमरे में कोई घुंघरू पहनकर नाचती है। और फिर धीरे धीरे करके पूरे साम्राज्य में ये बात फैल गई कि नागवल्ली की आत्मा वापस आ चुकी है, अब वो राजा से अपना बदला लेगी। अब राजा और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर उनको किसी ने सलाह दी कि ये महल जितनी जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए और तब से लेकर आज तक ये जगह आज भी खंडर बना हुआ है। और इसी स्टोरी के ऊपर चंद्रमुखी भूल भुलैया जैसी मूवी बनी।